से डर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आग इसकी कमजोरी है। शस्त्र ये कैसे नष्ट हो गया? कौन है जो राक्षस को बचा रहा है? कौन है? सताक्षी, क्या हुआ सताक्षी? सताक्षी को जाओ, जाके पीछा करो राक्षस का। कितना खून बह रहा है? आंखें खोलो। होश में आओ सताक्षी। सताक्षी, सताक्षी आंखें खोलो। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चंद्रकांता तहखाने में रहकर भी उस राक्षस को अपने वश में कर सकती है। अब देखना, ना मैं उस राक्षस को छोड़ूंगी और ना ही चंद्रकांता को। कोई व्यक्ति जी को बुलाओ, जाओ जल्दी। माफ कीजिएगा महाराज। सताक्षी, सताक्षी, सताक्षी गया, गया आधा सूर्य गढ़ गया। उस चंद्रकांता ने मेरी बहन को मार दिया। सताक्षी उठो। वो चंद्रकांता तहखाने से उस राक्षस को अपने वश में कर रही है। चंद्रकांता! नहीं वीर, चंद्रकांता राक्षस को वश में नहीं कर रही है, कोई और कर रहा है। ये तो चंद्रकांता को देखने के बाद ही पता चलेगा। ये दीवार बहुत शक्तिशाली है चंद्रकांता, हम दोनों को इसे मिलकर तोड़ना होगा। चंद्रकांता मेरी मदद करो, चलो। मैं यहाँ से जाएंगे कहाँ? समंदर के रास्ते मत्स्यगढ़ चले जाएंगे। चलो चंद्रकांता, मेरी मदद करो। काश माँ बाबा भी होते वहाँ पे। चंद्रकांता, अभी रोने का वक्त नहीं है। चलो चंद्रकांता, मेरी मदद करो। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु। चंद्रकांता, मैं तुम्हें किसी निर्दोष को मारने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए।
मासी, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है मासी। नहीं चंद्रकांता, मैं इन्हें मार नहीं रही, सिर्फ जख्मी कर रही हूँ। चलो जल्दी चलो, चलो यहाँ से। तेज, जादुई शक्ति से सारे दरवाजे बंद कर दो। चंद्रकांता जल्दी चलो, इनके द्वार बंद करने से पहले ये छोटा द्वार हमें इस महल से बहुत दूर ले जाएगा। चलो वीर, अब इसका पक्ष लोगे? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने उस राक्षस को घायल कर दिया था और उसी वक्त तुम। हाँ सही कहा तुमने, मैंने उस राक्षस को घायल कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पे किसी ने पीछे से हमला किया और मेरा ध्यान भटका दिया। कौन हो सकता है, किसने किया होगा? चंद्रकांता के सिवाय कौन कर सकता है? लेकिन चंद्रकांता तो तहखाने में थी। हाँ, मायावी के साथ, और इन दोनों जादूगरनियों ने मिलके जादू किया, मिलके पीछे से वार किया, जो अपने माँ बाप की ना हो सकी, मेरी क्या होगी? इस राक्षस ने विजयगढ़ के सीने पे वार किया है, जहां कभी दिल धड़का करते थे। आओ मेरे पास आओ। शांत हो जा, शांत हो जा, माँ बोल रही है शांत हो जा। शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, माँ बोल रही है शांत हो जा। आप मेरे बारे में जानती थी, आप सब जानती थी, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं स्वयं, स्वयं मुझे भी अभी पता चला है,
जब तुम वीर से लड़ाई कर रहे थे तब एक क्षण के लिए तुम्हारे चेहरे की झलक दिखाई दी मुझे। उसी वक्त मुझे पता चला कि वो राक्षस और कुंडली तुम हो। तुम खुद ही को खुद के वश में करते हो, चंद्रकांता नहीं। आप जानती है मैं राक्षस कैसे बना? मुझे राक्षस बनाया आपने और वीर ने, आपका लाडला वीर, मुझसे पहले वीर, मुझसे आगे वीर, मुझसे ज्यादा वीर, वीर वीर वीर। बस इसी बात का मुझे गुस्सा था, इसी बात का। शांत, स्वयं स्वयं, मैंने तुम्हें असलियत बताई थी ना, ये सब मैंने वीर को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए किया था। इस हद तक कि आप मुझे ही भूल गई? आप जानती हैं मुझे कितना दुख हुआ था जब आपने अपने आप से दूर मुझे पाठशाला भेज दिया था पढ़ने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो वीर योद्धा बन जाए। मेरे और तुम्हारे विजयगढ़ की सुरक्षा के लिए, अब स्वयं दूसरे गढ़ों को जीतने के लिए वीर तो केवल एक मोहरा था। राज तो तुम्हें करना है, और वो तिलस्मी खंजर, उसे पाने के लिए मुझे वीर की वीरता की जरूरत थी। तुम मुझे वीर क्यों नहीं बनाया? बचपन से वीरता उसे क्यों सिखाई, मुझे क्यों नहीं? वीर, तुम पैदा अय्यार नहीं हुए थे। जादू जादू से नहीं मिलता, सीखना पड़ता है। सीखो। इसीलिए मुझे आपकी किस्मत मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मैंने हिरणासुर रहस्य भी पढ़ा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस राक्षस को पराजित करके वीर से भी बड़ा वीर बनूंगा और आपकी नजरों में ऊंचा उठ जाऊंगा। फिर आपको उस तिलस्मी खंजर पाने के लिए वीर की मदद की नहीं, मेरी जरूरत पड़ेगी। आपको मुझ में विश्वास होने लगेगा, इसीलिए मैं उस राक्षस को ढूंढते हुए घने जंगल चला गया। वहां पर जाकर मैंने उसे जागृत कर दिया। जागो 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 हिरणासुर। किस्मत से जिस रात मैंने उस राक्षस को जागृत किया वो शुक्ल पक्ष की अमावस की रात थी। इस रात विष्णु जी की शक्तियां सबसे शक्तिशाली होती हैं तो असुरों की शक्तियां सबसे कमजोर। और फिर मैंने हिरणासुर को पराजित कर दिया। तुमने उस राक्षस को मार दिया? हाँ, मार दिया। लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा होने लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और एक ही क्षण में मैं राक्षस बन गया। क्यों कैसे मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं राक्षस बन गया था। मैं दोबारा यहां पर आकर आपको अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि देखो मां, मैं वीर से भी बड़ा योद्धा बन गया। लेकिन इस राज्य की रक्षा स्वयं विष्णु जी करते और ऊपर से भद्रमा से कहकर आपने उन मायावी शक्तियों से हिरणासुर को बांध के रखा था, वही राक्षस का रूप मैं बन गया था। वो मायावी शक्तियां मुझे इस राज्य में प्रवेश करने से रोक रहे थे। उन मायावी शक्तियों को तोड़कर मैं राज्य में प्रवेश करना चाहता था, इसीलिए मैंने किताबें पढ़ी और जाना
जब तक कोई कट्टर विष्णु भक्त मुझे इस राज्य में नहीं लेकर आता, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। वो कट्टर विष्णु भक्त मुझे मिल गई, चंद्रकांत, और वो मुझे यहाँ पर ले आए आपके पास। मेरे बच्चे ने कितने जतन किए मुझ तक पहुंचने के लिए, माफ कर दे मुझे, मैंने तुझे नजरअंदाज किया, पर अब ऐसा नहीं होगा। पर इस राज्य पर राज करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। वीर, उसने तो आज मुझे मार ही दिया था। तुम्हारी माँ की आंखों के सामने वो तुम्हें कैसे मार डालता। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बार वीर ने मेरा काम कर दिया, उसके बाद मुझे वीर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ तुम्हारा है। विजयगढ़ के भावी राजा तुम ही बनोगे, वीर नहीं। इसका मतलब मैं, आप और मेरी चंदा, वीर नहीं है ना माँ? हाँ चंद्रकांता। हाँ माँ, चंदा वो बहुत अच्छी है, उसी ने तो मुझे आपसे मिलाया। और माँ, मैं जानता हूँ चंदा का उस तिलस्मी खंजर से कोई तो रिश्ता है। वो मूर्ख वीर, उसे तो आधा पता है, मैं तो पूरा सच जानता हूँ माँ। मैं तो उस खंजर, शांत शांत, ज्यादा गुस्सा नहीं। सूर्यगढ़ की राजकुमारी को तुमने इसी गुस्से से मार दिया। अब सूर्यगढ़ तो हमारे हाथ से गया, ऊपर से राजा अवंतीमाला की बेटी की मौत का कर्जा भी हम पर चढ़ गया। अब तू बस थोड़ी दिनों के लिए शांत रहे। तो इस लड़की पर 3 हत्यारों का आरोप है, और यहां सब जानते हैं कि विजयगढ़ में हत्यारे को सजा मिलती है, सजाए मौत। माफ कीजिएगा महाराज। महारानी जी, इसे भी मेरी सताक्षी की तरह तड़पा तड़पा कर मारिए। हाँ इरावती, मार दो इसे, सूली पर चढ़ा दो, मार डालो इसे। नहीं, इसे मार दूंगी तो मुझे तिलस्मी खंजर कैसे मिलेगा? हाँ हाँ, मौत की सजा दो, हाँ हाँ, मौत की सजा दो, मौत की सजा दो, हाँ हाँ, मौत की सजा दो, मौत की सजा दो, मौत की सजा दो, मौत की सजा दो, मौत की सजा दो। तुम कुछ कहना चाहती हो चंद्रकांता? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, पर इस राज्य के न्याय को देख के लगता है कि यहाँ कुछ भी बोलना व्यर्थ है। बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत होना जरूरी है, पर आप मुझे इसका मौका ही नहीं दे रही हैं। न्याय हो चुका, सजा तय हो चुकी है, अब वो है सजा। अवंती माला चुप रहे, नहीं तो फाड़ दूंगा। नहीं, मुझे ये लड़की जिंदा चाहिए। मैं इसको जिंदा रखकर इसकी सच्चाई जानना चाहती हूं कि ये उस राक्षस को अपने वश में कैसे करती है, और फिर इसी के जरिए मैं उस राक्षस से अपना पीछा छुड़वाऊंगी। भद्रमा,
अपनी जादुई शक्तियों से इस लड़की से सच गुलवाइए। ले जाओ इसे। जब उसे सताने का बहाना मिल ही गया है तो जा बद्रा, चौकड़ी मार के बैठ जा उसके सीने में, जल के इसकी चीड़फाड़ कर दे। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। शांत हो जा स्वयं। तुमने चंदा को तहखाने में क्यों डाला माँ? तुम जानती हो वो मुझे वश में नहीं करती। मैं जानती हूँ, पर राजा अवंतीमाला नहीं जानते, इसीलिए उनकी वजह से हमें चंद्रकांता को सजा देनी पड़ी। नहीं, चंदा को चोट नहीं पहुंचा सकते, नहीं नहीं दे सकते। नहीं चोट पहुंचाऊंगी स्वयं, नहीं चोट पहुंचाऊंगी बेटा, भरोसा रख माँ पर। मुझे चंदा चाहिए माँ। मिल जाएगी तुझे तेरी चंदा और मुझे मेरा तिलिस्मी खंजर, पर तब तक कोई अनहोनी मत करता। और वीर, आपने कहा था उसके बारे में कोई योजना सोची है आपने? हाँ, योजना है, वो भी पूरी करूंगी। ऐसे ही पटक पटक के मारेंगे तुझे। सच सच बता कि तू उस राक्षस को कैसे वश में कर रही थी? मैं उसे वश में नहीं करती हूँ। भद्रमा, जला दो इसे। पता है भद्रमा राजकुमारी चंद्रकांता को कितनी यातनाएं दे रही है? अरे क्या बात कर रहे हो, राजकुमारी को यातना ही नहीं देंगी तो वो सच कैसे उगलेंगी? कम से कम अपनी माँ का अंतिम संस्कार तो कर लेने दो। बहुत बहुत हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार हमारे सूर्यगढ़ में करेंगे। चंद्रकांता ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों किया उसने ऐसा? कैसी लग रही है तुझे आओगर पानी की सजा? हाँ?
भगवान ने एक ही बेटी दिया हमें, ऐसे कैसे किसी और पे निचावर कर दो तुझे अब? इतनी आसानी से तुझे बेहोश नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि अगर तू बेहोश हो गई तो तुझे इस दर्द का एहसास कैसे होगा? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच में कुछ नहीं जानती। मासी, अगर ये सच में कुछ नहीं जानती तो मार दे इसे क्या? नहीं कहना, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको तो मैं बताती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ वीर, मैंने भी अपना पति खोया है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम पर क्या पीत रही है। ये लो, दूध पी लो, अच्छी नींद आएगी तुम्हें। चलो सो जाओ। अच्छा है, अब सो जाएगा तो चंद्रकांता के पास नहीं जाएगा। सो जा राजकुमार, सो जा। महारानी जी, महारानी जी, जल्दी चलिए। चंद्रकांता, चंद्रकांता, क्या कर रही हैं आप? इरावती, मैं तो इसे सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी। मैंने इस पे जादू ही वार किया और इसने पलट के मुझ पे वार किया और बस। मैंने राज सभा में आपसे इसके सच उगलवाने के लिए इसीलिए कहा था ताकि राजा अवंतीमाला अपना मुंह बंद कर सके, लेकिन आपने तो इसे अधमरा कर दिया। मुझे तो लगा इरावती कि तुम इसे सजा देना चाहती हो। इसे ठीक कीजिए, अभी इसी वक्त ठीक कीजिए। रावती, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, इतनी देर से यही तो कर रही थी। सांसें चल रही है इसकी, चली जाओ यहाँ से। रावती, जाओ। ये तुम्हारा ही है, इसकी तो सांसें टूट रही हैं, क्या करूं? अब इसे सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, ऋषि अंगारा। नहीं नहीं, उसे वहां ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा, पर क्या करूं मैं? लगता है मुझे ऋषि अंगारक के पास ले जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। We'll be right back.
हे भगवान, बस कुछ देर और चंद्रकांता की सांसें चलती रहे, वहां पहुंचने तक बस। ऋषि अंगारक, ऋषि अंगारक, ऋषि अंगारक, ऋषि अंगारक। कुंडली में राहु या केतु के साथ मंगल बैठ जाता है तो अंगारक योग होता है, जो बहुत ही अशुभ होता है। जब ये योग कोई प्रयोग करता है तो प्रलय आती है। प्रलय, प्रलय तो आ गए, मेरी मदद कीजिए। मैं प्रयोग कर रहा हूं, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस लड़की की जान चली जाएगी, ये मर जाएगी, और जो प्रयोग आप कर रहे हैं वो किसी के काम नहीं आएगा। अरे होते हुए तुम्हारे महल में दूसरी मौत कौन आ गई? है कोई जिस पर मैं भरोसा करती थी। कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। और हमारा वो प्रयोग? वो प्रयोग भी वक्त पर पूरा हो जाएगा इरावती। हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका प्रयोग सफल नहीं हो जाता मैं वीर को मार नहीं सकती। कैसा प्रयोग? अब इरावती की ये कौन सी नई योजना है? ये वीर को क्यों मारना चाहती है? पता लगाना होगा। मैं भी कुछ ज्यादा ही सतर्क रहने लगी हूँ, इसीलिए भ्रम हो गया मुझे। ये तो सो रही है। आप अपना प्रयोग तेजी से कीजिए, मैं वीर को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकती। अब मुझे उसे जल्द से जल्द मारना है। कौन चंद्र? अब कहना बोलने की आदत डाल लो वीर, क्योंकि अब चंद्रकांता तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगी। उधर जा रहे हैं। तुम्हें अपना बनाने, आज की ये रात हम दोनों का ये साथ पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। राजकुमार आप ये क्या कर रहे हैं? आपको अगर हमें ऐसे प्यार ही करना है तो ऐसे सबके सामने तो मत करिए। एक काम करते हैं, हमारे कक्ष में चलते हैं, देखिए ना सब देख रहे हैं। आइए। चली जाऊंगी, अब आई हूं तो कुछ देके और कुछ लेके जाऊंगी। मेरी कोख में विजयगढ़ का वास।
और वैसे भी वीर, तुम चाहो ना चाहो, पर आज की रात तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे। कहना क्या करनी थी तुम? एक आदमी के साथ जबरदस्ती, छी, कितनी गंदी हो तुम। पहले तो वीर के बच्चे की मां बनने का इतना बड़ा झूठ, और अब वीर के बच्चे की मां बन के दिखाऊंगी, उसके बाद तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी और सबको सबक सिखाऊंगी, समझे मेरे तेज भैया? आजा। नहीं, मेरे वीर को छोड़ दो। तुम्हारा वीर? अरे ये तो कब का चंद्रकांत का हो चुका, और जो प्यार तुम पाना चाहती हो ना, वो कब का चंद्रकांत को दे चुका। नहीं, उसने मेरे सामने चंद्रकांत को तहखाने में फेंका था। क्या फर्क पड़ता है उससे? उन दोनों के बीच जो प्यार है, वो तो जन्म ले चुका ना। अब वो कहां किस रूप में जन्म ले, किसी को नहीं पता। क्या पता चंद्रकांत खुशखबरी दे दे कि उसकी कोख में विजयगढ़ का बारिस बह रहा है, वो मां बनने वाली है। नहीं। क्यों नहीं? राक्षस के आने से पहले तो उन दोनों के बीच में प्यार था, खुश थे वो दोनों। वो प्यार कहीं ना कहीं तो अपना रंग दिखाएगा ना, पता चलेगा तुम्हें मां बनना किसे कहते हैं। और बहुत जल्द चंद्रकांता और वीर एक हो जाएंगे, देखना तुम। है? मेरी बहन को मार के चंद्रकांत मां बनने वाली है? अरे क्या कर रहे हो आप? तू मुंह लटका कर कहां चला जा रहा है? हमारे साथ प्राणायाम कर, सुखी रहेगा बच्चा। चल 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 जो, चल चल खड़े हो। हाँ चलो फिर से। आपकी बहू मर गई, चंद्रकांता मां बनने वाली है और आप यहाँ प्राणायाम करके सुखी रहना चाहती हैं? क्या? चंद्रकांता मां बनने वाली है? चंद्रकांता, तुमने मेरी जिंदगी पर बात कर दी, तुम बस देखना तुम्हारे साथ भी कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। चिंता मत कर बेटा, अगर अच्छा होता भी है ना, हम बुरा कर देंगे। मेरी बारी। तब देखो लड्डू खाती रहती है, इसलिए अब लड्डू जैसी हो गई। अब तो लड्डू ही लड्डू खाने को मिलेंगे, है ना? खबर इतनी मीठी है। वो चंद्रकांता और वीर के बारे में तुमने सुना है ना? कैसी खबर है मामी जी? हैं? तुम्हारे मामा ने तुमको नहीं बताया? खबर ये है कि तुम चाचा बनने वाले हो। मैं चाचा? हाँ छोटे भांजे, चाचा। चंद्रकांता की कोख में वीर का अंश पल रहा है, लेकिन भांजे खुशी के मारे नाचने मत लग जाना। तो चंद्रकांता राजकुमारी नहीं है, गुनेगार है वो, राजद्रोही है वो। ये जच्चा बच्चा दोनों का कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तभी तो कल रात वीर ना गहना के कमरे में था, वो भी अकेले। अब सवाल ये उठता है कि ये खुशखबरी जब वीर को मिलेगी तो वो किसे चुनेगा, अपने होने वाले बच्चे की माँ को और या फिर गहना को? मामी, इन दोनों की कोई बराबरी नहीं है। मेरी चंदा आसमानों की है और गहना जमीन की धूल। वीर चंद्रकांता के लायक नहीं,
उन दोनों को अब कोई पास नहीं ला सकता, उनका बच्चा भी नहीं। क्या? हाँ महारानी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना। नहीं, वीर का कोई वारिस नहीं हो सकता, कोई वारिस नहीं हो सकता वीर का। अगर वारिस होगा तो केवल एक, मेरे बेटे स्वयं की औलाद। वीर और चंद्रकांता के बीच में पति पत्नी का संबंध कभी हुआ ही नहीं। नहीं, मैंने हर वक्त हर पल उन पर नजर रखवाई थी। ये सच नहीं, ये सच नहीं।